नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम्स में। और आज आपके लिए मैं दो न्यूज़ लेकर आया हूँ जो आरएसएम एसएसबी ने दो विज्ञप्ति जारी की है और वो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। तो एक पटवारी भर्ती के बारे में, एक एलएसए के भर्ती के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए और हम सबसे पहले आरएसएम एसएसबी पर जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको राजस्थान की हर भर्ती की अपडेट मिल सके। तो हम आरएसएम एसएसबी की होम वेबसाइट पर चले जाएंगे और ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम और एलडीसी, लेबर असिस्टेंट सब भर्तियां इसी ऑफिशियल साइट पर आती है, मतलब आरएसएम एसएसबी द्वारा जारी की जाती है। तो हम न्यूज़ नोटिफिकेशन में जाएंगे और यहाँ पर जो न्यूज़ नोटिफिकेशन है और इस पर क्लिक करेंगे हम तो एलएसए भर्ती के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ये विज्ञप्ति जारी की गई है एलएसए भर्ती की 7/2/2019 शाम को। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुरा जयपुर, तो ये विज्ञप्ति जारी की है बोर्ड द्वारा। पशुधन सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2018 में पात्रता की जांच एवं दस्तावेजों सत्यापन के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बोर्ड के कार्यालय आदेश क्रमांक 166 दिनांक 5/2/2019 द्वारा सूचित किया गया था कि वे दिनांक 13/2/2019 से दिनांक 28/2/2019 तक उनके रोल नंबर के आगे अंकित दिनांक को कॉन्फ्रेंस हॉल पशुधन भवन गांधीनगर टोंक रोड जयपुर पर उपस्थित होवें। ये इनका उपस्थिति का स्थान है माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर याचिका एस बी सिविल रीट पिटिशन संख्या, यहाँ पर सब कुछ ये दिया हुआ है। तो ये एक न्यूज़ है। और दूसरी न्यूज़ है जो पटवारी की भर्ती के बारे में जारी की गई है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में है, जो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊंगा। और दो नंबर पर ये न्यूज़ है पटवारी भर्ती की। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो 2015 में पटवारी भर्ती निकाली थी इसमें जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये पटवारी भर्ती की न्यूज़ है। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि पटवारी भर्ती 2019 भी अब आने वाली है कुछ ही दिनों में, क्योंकि जो अशोक गहलोत जी ने आज चार दिन पहले जो घोषणा की थी और पत्रिका की न्यूज़ हमने दिखाई थी, पटवारी भर्ती, कॉन्स्टेबल भर्ती और ग्राम सेवक भर्ती और अध्यापक भर्ती, ये चार भर्तियों की घोषणा हुई थी। और आप इस चैनल पर वीडियो भी वो देख सकते हैं जो न्यूज़ आई है दैनिक भास्कर की, वो न्यूज़ आप देख सकते हैं इस चैनल पर। और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए। धन्यवाद।